अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन की रेसिपी चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं इजी झटपट बनने वाली पनीर भुर्जी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली हूँ यहाँ पे 250 ग्राम पनीर, उसी के साथ में मीडियम साइज़ की एक कांदा जिसे मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, एक लाल शिमला मिर्च, उसी के साथ में दो हरी मिर्च तीखी वाली, ये चिल्ली फ्लेक्स, और इसी के साथ में जाएगा हमारा ब्लैक पेपर पाउडर और एक चीज़ की स्लाइस लगने वाली है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो, आपकी चॉइस। यहाँ पे मैंने ले ली हूँ एक पैन। तो दोस्तों थोड़ा ऑयल हम ले लेंगे यहाँ पे 2 टीस्पून भर के, इसी के साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पे ओनियन जिसे हल्का पिंक कलर आने तक हमें सॉटे करना है, ऐसे फ्राई कर लेंगे हल्का पिंक कलर आने तक। यहाँ पे हमारे जो ओनियन था उसको हल्का पिंक कलर आ गया है और वो थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं नरम से। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च तीखी वाली है, तीखा आप आपके हिसाब से रखिए जितना आपके घर में पसंद करते हैं। उसी के साथ में लाल शिमला भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, दोनों को अच्छी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सॉफ्टनेस हो जाए बस हमारी वेजिटेबल। मैंने बहुत सारी और भी पनीर की सब्जी पनीर की रेसिपीज बनाई हूँ, पनीर शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बर्गर, काफ़ी सारी रेसिपीज बनाई हूँ पनीर को लेके भी। अगर आपको पनीर की रेसिपीज एकदम टेस्टी इजी झटपट बनने वाली देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, या तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो शिमला और जो ओनियन थी ये सॉटे हो गई है, अच्छी सॉफ्ट हो गई है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिल्ली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी हम इसी के साथ में ऐड कर देंगे यहाँ, और थोड़ा सा इसको भी चला लेंगे। यहाँ पे अगर आपको हल्दी डालना है तो आप डाल सकते हो, हल्दी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही कलरफुल दिखना चाहिए बोल के मैं इसके अंदर हल्दी नहीं ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं हमारा पनीर। देखिए ये पनीर मैंने एक तो 250 ग्राम का ये था टुकड़ा था मेरे पास में बड़ा सा, मैंने इसको कट करके ग्रेट कर लिया है, ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो दोस्तों अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अच्छी तरीके से चला चला के इसको बनाएंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा ओरिगानो, इसके अंदर ओरिगानो भी हम लोग ऐड कर देंगे, अभी इसको चलाते रहेंगे थोड़ा, सब जगह से मिक्स कर देते हैं। हमारी पनीर भुर्जी बनके तो रेडी हो चुकी है, अब इसके अंदर हम लोग हमारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ हमने हरा धनिया ऐड किया है, मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसी के साथ में मैं यहाँ पे एक स्लाइस चीज़ का डाल दूँगी। तो दोस्तों मैं अब आपको बताती हूँ इसे आउट करके कि हमारी पनीर भुर्जी कैसी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पनीर भुर्जी बनके रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी इजी झटपट से बन गई है, और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि इतने इजी और इतने कम चीज़ों में बनने वाली हमारी टेस्टी और हेल्दी पनीर भुर्जी। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी पनीर भुर्जी कैसी बनी है, मैं इसे पाव के साथ खाऊंगी। माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी पनीर भुर्जी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।